गुड मॉर्निंग एवरीवन। आजकल बहुत दिनों बाद आई हूँ, बहुत दिनों बाद, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके बताओ मुझे। बाय द वे, यू कैन सी अभी विंटर है, सो यू कैन सी दिस ग्लो ऑन माय फेस, इट्स बिकॉज ऑफ विंटर। विंटर की सबसे अच्छी बात पता क्या है? आई कैन अप्लाई, आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई कैन अप्लाई लॉट्स ऑफ क्रीम्स ऑन माय फेस। क्रीम इन अ सेंस कोल्ड क्रीम, बट मैं कोल्ड क्रीम यूजुअली लगाती नहीं हूँ। ये मैंने लगाया है फेस पे एक ऑयल, जस्ट कुमकुम आदि तैलम। लो सुबह सुबह स्टार्ट हो गई हूँ, बट थोड़ी सी टिप्स रख लो मेरी तरह से। अच्छा है, इसे मैं गर्मी में उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज गर्मी में मेरी स्किन एकदम मतलब टूवर्ड्स ऑयली चली जाती है, इसलिए मैं उसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। विंटर में इसे मैं अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हूँ। बाय द वे, बहुत अच्छी विंटर पड़ी है कोलकाता में, आप देख के समझ ही रहे होंगे। और यस, वी आर इन अ प्लानिंग टू गो समवेयर, एंड यस, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो आपको समझ आ जाएगा। बाय द वे, गेस करते रहो, गेस करने में भी बड़ा अच्छा मज़ा आता है। और आज सुबह ना बड़ी देर हो गई है, यूजुअली ऐसी होती नहीं है। मैं 9 बजे उठी हूँ, मैंने 7:30 का अलार्म लगाया था और सोचा कि आधा घंटा सोती हूँ, 8 बजे उठूँगी। तो देवरा जाके बोलते बाय, जैसे उन्होंने बाय बोला तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि आज तो 9 बज गया यार, वो तो 9 बजे निकलता है। फिर मैंने देखा कि यस 9 बज गए, तो काफ़ी लेट हो गया। अभी मैंने फटाफट सारे के सारे काम किए, इसी में से चटपट 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 सारे काम किए, और अभी बजने वाला है 12:10। और माही को भी जूस पिलाऊंगी, फिर उसको नहलाऊंगी, फिर थोड़ी देर के लिए सो जाएगी, फिर लंच वगैरह, और फिर कार्यक्रम चलता रहेगा। और आजकल लाइफ थोड़ी बिजी हो गई है, सब बताती रहूँगी इस ब्लॉग में, बने रहिए बस, ठीक है। और आप लोग कैसे हो, मैं पूछना ही भूल गई हूँ आप लोगों से हाल चाल, आप लोग कैसे हो सारे के सारे बताते चलो मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, बताते हो कैसे हो वगैरह। तो ब्लॉग को एंजॉय करो और मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए ब्रेक। तो अभी मैं जा रही हूँ एक जंग पे इस जूस के डब्बे को लेके। पता है क्यों? माही को जूस पिलाना किसी जंग से कम नहीं है, तो दुआ कीजिए मैं इस जंग में फतेह करके आऊँ ये जूस की बोतल के साथ। तो चलो देखो अभी कैसे जंग होना है। टड़ंग 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 टड़ंग। माही कोई है? चलो अरे बिकली नहीं है ना, वो अभी नहीं है ना, वो दे दारो। चलो जूस खा, चलो बेबी बेबी, चलो माही अभी जूस पिएगा, पिएगा माही जूस। आज माही गुड गर्ल हो गई है, नो फाइटिंग। यू लाइक इट? पिलो 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 करो, दान खाई ना 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 ना। देखा आप लोगों ने कितना, आज थोड़ी लड़ाई कम हुई है मेरी फाइटिंग, माही थोड़ी सी कॉपरेट की है आज, नहीं तो बहुत बदमाशी करती है। तुम्हारा हेयर्स देखो माही, भाई तुम्हारा हेयर्स देखो कैसा रंग का। हाय करो चो सबके, यो करो दो, यो कम ऑन बोलो, यो 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 कर दो, यो बोलो, यो यो माही। तुम्हारा नेल्स कितना बड़ा हो गया, ये क्या है, ये क्या है बेबी? चलो चलो चलो
चलो चलो माही माही चलो नहाएगा ना नहाएगा मम्मा का किसी करो मम्मा का किसी करो चलो किसी किसी खेलेंगे चलो तुम मेरे को दो मेरे को आमा के आमा के कुकी तुम करो माही का नहाना हो गया है इसलिए हम जा रहे हैं अभी छत पे तो अभी आप देख सकते हो कि माही सो रही है तो मैं धीरे बात करूंगी और ये देखो अभी कुछ बच्चे आए थे सामने में रहते माही के लिए माही के फ्रेंड्स मैं हर चीज़ तो कैप्चर नहीं कर सकती बट वो लट्टू है उसका नाम तो वो लेके आया था माही के लिए बोल रहा दी बहन के लिए अभी सो के उठ के देखेगी बहुत खुश हो जाएगी वो इसलिए हर चीज़ ना कैमरे से कैप्चर करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सो रही थी ये और वो एकदम देख के भाग गए जैसे उन्होंने देखा वो सो रही है माही और मुझे हाथ में पकड़ाया कुछ मैं दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं ये देखो इस तरीके से दिखते हैं ये तो इन बच्चों ने ही बनाया ये और देख सकते हैं आप फिलहाल मैं इनको यहीं पे रख देती हूँ और बड़ा वाला लाइट ऑन करती हूँ ट्यूब लाइट मुझे माही के नेल्स कट करने हैं बहुत दिन हो गए उसके नेल्स जो है बहुत बड़े हो गए हैं माही सोती है ना तो मैं कोई भी चीज़ ऑन नहीं रखती इसको ऑफ कर देते और ये चार्जर निकाल देते हैं तो ये है मेरा मी टाइम अभी माही सो रही है जस्ट 15 मिनट मिलेगा मेरा मी टाइम के लिए उसके लिए मैं अभी बना के लाई हूँ गर्म पानी हल्का वो भी गुनगुना तो इस वक्त मैं एक हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ विंटर के टाइम में और अभी कुछ जो काम थोड़े से पेंडिंग काम होते हैं जैसे बच्चों के साथ होते रहते माही ने अपना स्वेटर उधेड़ दिया है मतलब इतना कूदती है ये देखो यहाँ से खुल गई है एक्चुअली सिलाई तो मैं उसको बैठ के अभी थोड़ी सी टाइम पास करने वाली हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें तो लगती रहती है और पीछे से आवाज़ आ रही है ना वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बगल में ही उसी की आवाज़ आ रही है आप लोगों को तो माही को बुलाते बुलाते इतनी देर हो जाती है भाग गई भाग जाती है ये देखो हाय हाय चलो चलो छत पे चलते हैं और बड़ी मुश्किलों से इनको लंच कराया है और अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे चलो जल्दी चलो जल्दी चलो ऊपर चलो 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 माही चलो ये? अभी तुम बड़ा हो गया है ना ऐसा लेट लेट के क्यों जा रहा है खड़े होकर चलो खड़े होकर चलो 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 खड़े हाँ खड़े खड़े चलो 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 खड़े खड़े चलो हाँ हाँ वेरी गुड नो 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 ये देखो टाइम हो रहा है 3:30 बज रहा है और मेरी फ्लावर देखो बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा इनकी रखवाली करते हैं काकू और मैं भी करती हूँ पानी डालती हूँ ये देखो ये कितने सारे यहाँ पे रोजेस हुए हैं रेड रोज वो भी और सूख रहे हैं अभी फिलहाल ये ना एकदम देसी है देखो ये वाले ये बोगनविलास वो रहा जबा फूल हिबिस्कस छोटा सा एकदम और ये देखो जिस पेड़ की मैंने कितने बार मतलब कितने जतन किए थे इतने दिनों बाद इसमें
मतलब ये आया, मिठी आई कि मैं भूल ही गई, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट देना ही बंद कर दिया था। मैंने भी दिलासा छोड़ दिया था कि ये सच में आएंगे, लेकिन इस बार आए। मम्मी ने भेजा था ये मिर्ची। मम्मी को देखेगी ना, मम्मी भी खुश हो जाएगी ये ब्लॉग देखेगी तो, कि चलो हाँ चलो आए। ये एक और देखो, एकदम जैसे शिमला मिर्ची होती है ना वैसी दिखती है। नहीं फूल नहीं है, फूल नहीं है, चिली चिली चिलीज, ग्रीन चिलीज। नहीं ऐसे नहीं करना, नो नो माही, नो वेयर आर योर शूज माही। माही ने अपना शूज उठा के फेंक दिया। मतलब इसको खाली पैर घूमने में न जाने क्या मजा आता है, और मुझे देखो जितनी ठंडी मेरे को मेरे पे। माही उधर नहीं जाना, माही 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 माही, वो रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो रख। किसी के भी शूज मिलते हैं उठा के फेंक देती है। नो 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 नो, देखो बहुत बड़ी हो गई हो, गिर जाओगे माही, गिर जाएगा, लग जाएगा, गिर जाने से लग जाएगा, लग जाएगा, ऐसे नहीं करते। हाँ काच कोच, वो सामने में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, माही वही दिखा रही है, गिर जाएगा माही। और देख माही उधर देख कितना फूल हुआ है, वो देख कितना सारा फ्लावर हुआ है पे। माही नो, जानबूझ के किया तुमने। सेकंड टाइम खुले दिए छे। तातरी उठो, जल्दी आओ। आस्ते माही, लगे छे तो आस्ते ना, आस्ते आस्ते, अब तुम बड़ो होच्छो तो। दिन हो गए, ये सैंडविच मेकर आया है और इसे हमने अभी तक यूज नहीं किया है, तो आज वो दिन आया है। ब्रेड लेके आए हैं, चीज लेके आए हैं देवव्रत, और अभी मुझे ककड़ी ढूंढनी है यानी शशा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जी है, ये है आलू की सब्जी, इसे मैं स्मैश्ड कर लूँगी बहुत ही अच्छे से। और जैसे कि क्वांटिटी थोड़ा कम है, तो इसको मेकअप करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अंडे। मैंने यहाँ पे 3 egg लिए है, और अब मैं इससे बनाने वाली हूँ भुर्जी, भुजिया एक्चुअली। मेरे ख्याल से तेल कुछ अच्छे से गरम नहीं हुआ। सो फाइनली यहाँ पे भुजिया बनके रेडी हो गई है, अब हम इसे स्मैश्ड करेंगे। सो सबसे पहले एक तरफ में हम डालेंगे बटर, और दूसरे साइड में डालेंगे सॉस, और भी ज़्यादा लेंगे, और इस तरीके से हम इसे इसमें ये लगाएंगे, आलू डालेंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम चीज़,
और इस तरफ में थोड़ा सा बाबी का बन रहा है ये, उसमें हम बाबी को उतना ज़्यादा खीरा वगैरह पसंद नहीं है तो हम इसमें डालेंगे एग, यानी ये जो बनाया मैंने भुजिया, अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से एंड इसमें रख देंगे और ये ऑन करेंगे। सो अभी फ़िलहाल ये गर्म नहीं हुआ है, इसे गर्म होने देते हैं, उसके बाद प्रेस करेंगे। मैं ऑलरेडी एक बार प्रेस की हूँ, आप देख सकते हो। अब ये प्रेस हो जाएगा। तो चलिए सैंडविच वही ओटा जेटा छोटा दिए बनी। सो अभी फाइनली बन रहा है मेरा और देवराज का, काकू काकी माँ को भी भेज दिया है। और जैसे कि देवराज को चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है तो देवराज के मैं चीज़ नहीं देती, मैं थोड़ा सा और उसको ये दे देती हूँ हल्का सा। अब इसे हम बंद करेंगे। और उसमें डालेंगे ये मेरा वाला है। और तुम खा भी लिया? तो बताया भी नहीं यार, खाने से पहले रिव्यू तो देना चाहिए ना, एक बाइट एक बाइट लेके रिव्यू तो देते मेरे को। नहीं भूख लग गया था इसलिए रिव्यू हो गया, बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा मेरे यहाँ से ले। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। मेरे को तो फील, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं देखा खाते हुए। नहीं बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो समझ आता मेरे को। इसमें से लो थोड़ा। नहीं चीज है, चीज में नहीं खाता। थोड़ा सा चीज है, ले लो ना। दिखाई भी नहीं, थोड़ा सा टेस्ट कर गई, बट सीरियसली बहुत अच्छा बना है। अंदर में मेयोनीज नहीं, सॉरी चीज़ है ना, चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये। अगर ये वाला ब्रेकफास्ट करें ना तो ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत ही मेरे ख्याल से। और अभी एक और डिमांड आ गया है सैंडविच का, ये देखो, ये है पोच वाली सैंडविच। ये लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऑमलेट टन टडन 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 टडन। चीयर्स। सीरियसली? अच्छा तो वही बस सैंडविच मेकर जिंदाबाद। हाँ अब ये कितना दिन चलता है वगैरह वगैरह देखने के बाद ही मैं आपको रिव्यू दूंगी। माई खाएगा? हाँ थोड़ा सा खाओ, मम्मा ने बनाया, खाओ। नए सैंडविच मेकर में ये बनाया है, खाओ 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 खाओ। अभी हम लोग रेस्टोरेंट में होते ना तो माँ ही खाती। नहीं मैं नेक्स्ट टाइम वो चिकन वाला बनाऊंगी, देखो मैं नेक्स्ट टाइम ना चिकन वाला ही बनाऊंगी। कम ऑन, ए खाओ खाओ खाओ। और ये देखो माही की हालत, जैसे तैसे डिनर कराया और बस 10 बजने में 15 मिनट अभी। ये देखो चलो, जैसे मैंने अभी डिनर एक्चुअली किया, मैंने तब सैंडविच खाया था ना तो मुझे और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है क्योंकि चीज़ी था बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी ये गर्म पानी कर रही हूँ, नाउ इट्स डन, तो उसे बंद करेंगे और अभी मैं इसे टाल लूँगी। बाय द वे कुछ माइंड मत करना, ऊपर में ऐसे ही है सब कुछ, आपको तो पता ही है सब कुछ क्या क्या है क्या नहीं। विंटर का टाइम है तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ज़रूरी है हल्का गर्म पानी।
बाय द वे, इस पानी को पीने से पहले मैं अपना फेस वॉश करने वाली हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे इससे। ये है फॉरएवर ब्राइट का टू जेल यानी ब्रश पेस्ट। इससे फेस वॉश भी कर सकते हो और मुझे थोड़े पिंपल्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, बट स्टिल ये देखिए यहाँ पे पिंपल आ रहे हैं। मे बी ये एरिया ड्राई हो जा रहा है, हो सकता है इस कारण। तो चलिए करती हूँ। इतना इनफ है, देखो देखो मैं अपना फेस क्लीन करके आ गई और अब मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये फॉरएवर का हनी। जस्ट फेस में पानी लगा हुआ ना, तो मैं अलग से पानी नहीं लूँगी, ज़्यादा नहीं लेना है क्वांटिटी, बस इतना इनाफ है। अब इसी को मैं आजकल ऑल ओवर फेस पे लगा लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से वेल मॉइस्चर करता है ये, एकदम मॉइस्चराइज करके रखता है स्किन को, एकदम विंटर परफेक्ट है ये। और अगर आपको इस हनी के बारे में जानना है तो मेरे दूसरे चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने उस पर ब्लॉग बनाया अलग से। ये हनी भी है साथ में टू जेल भी है, वर्ल्ड बेस्ट हनी है साथ ही साथ टू जेल भी। इवन मैं इसको ना थोड़ा सा डार्क सर्कल के ऊपर भी लगा लेती हूँ कई बार, ये वाला एरियाज पे। बस अब नाउ आई विल जस्ट लीव इट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में ये पूरा सोक कर लेगा, उसके बाद मैं इसे वॉश। मॉइस्चराइज कर देता है पूरा, मतलब विंटर के लिए ना हनी परफेक्ट है, और ये वाली हनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिलीव मी। बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली, इतने टाइम बाद आई हूँ और मैंने शायद आपको दिखाया, यूजुअली तो हम लोग गर्मी के वक्त आते हैं छत पे, लेकिन आज मैं विंटर में आई हूँ। तारे वगैरह कुछ नहीं दिख रहे, एकदम फॉगी फॉगी हो रखा है। और वो देखो वो वाली जगह, ये वाली जगह भी बिल्कुल फॉगी हो रखी है। तो चलो ये 10 मिनट हो गए, 10 मिनट 1 घंटे बराबर हो गए मेरे, तो कहीं माहीना जग जाए और नीचे चलते। देवराज भी आ गए, वो सोच रहे ऊपर पता नहीं कौन आया, कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गई। एकदम से लाइट चल रहा है और हल्की हल्की आवाज़ हो रही है, चल रही हूँ ना मैं यहाँ पे, तो हल्की हल्की आवाज़ आती होगी नीचे। तो चलो अभी नीचे चलती हूँ, नहीं तो फिर वो सोचेगा कि कौन आ गया है भाई, माही जग जाएगी। चलो अब मैं ऊपर से नीचे आ गई हूँ और आके देख रहे हैं सर बैठे हुए, क्या खाए हो? रोटी और सब्जी। और देवराज का थोड़ा तबीयत डाउन है एक्चुअली, वो हनी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। वो हनी ट्राई की कितना दिन हुए? 2 हफ्ते हुए ना। 2 हफ्ते हुए। और इनको मतलब साल में कितने बार आता है आपको बुखार? और ये 5-6 बार आ जाता है इसको। और मतलब मैं जो देखी हूँ देवराज को, यूजुअली एंटीबायोटिक्स तक लेना पड़ता है, इतना बुरा हाल हो जाता है। मतलब ठंड पकड़ती है ना, उसको बुखार आता है, साथ में लास्ट में एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है, मैंने जितना देखा है। और तकरीबन 1 महीना तक उसको परेशान करके रखता है यूँ समझिए, या ठंडी जब तक है इनका भी ऐसा ही रहता है। नहीं अगर एक बार पकड़ गया तो,
तो अभी जो न्यू वाला हनी हम लोगों ने जस्ट रिसेंटली 2 से 3 हफ्ते होंगे स्टार्ट किए, और मेरा काम तो आप देख रहे हो मैं आपको जो जो बताई, और इनके ऊपर मेन काम समझ आएगा कि यस कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। बट हनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, टेस्टी है। और चलिए अभी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं इससे पहले कि माही जग जाए, क्योंकि काफ़ी वक्त ऐसा हुआ है कि हम बातें करने बैठे हैं और मैडम जग गई है आके, फिर हम लोगों को नहीं देवरन एकदम से आके यो करना स्टार्ट कर देती है। तो चलो हम लोग गुड नाइट कर देते हैं। चलो गुड नाइट कर दो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। यू टू टेक केयर। इनको बोलना चाहिए टेक केयर। तो एनीवेज गुड नाइट, एंड वीडियो पसंद आए, व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, तुम बता दो, बोल दो, एटलीस्ट बेल बटन दबा दे, बोल दो। वो तो दोस्त लोग है ही, ऐसे ही कर देगा। अच्छा ठीक है, देवराज के दोस्त लोग कर दीजिएगा और मेरे व्यूअर्स लोग कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।